Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. Bolo Zubaan Kesari. तो जैसे ये क्षेत्र की शिकायतें आप लोग बता रहे हैं तो इसमें फिर आप लोग वोट भी देते होंगे, नेता भी चुनते होंगे अपने, तो ये लोग वोट मांगने भी आते होंगे, गांव में घूमते भी होंगे, तो उनसे नहीं कहते हैं कि भाई हमारी समस्या है। हमने लिखित में इतनी शिकायत दी है, कोई जिले का एक अधिकारी जो कहे हमारे पास शिकायत ना है, बाकी हम पे कॉपी बनी हुई धरी है हर शिकायत और हर अधिकारी के लिए, जिले पे हर आदमी के लिए जिले में। क्या बोलते हैं अधिकारी? अधिकारी हाँ कर देंगे, मर करे भाई कहा झूठा है, ये तो झूठ बोले वारे हैं। तुम सोच रहे हो कि वोट वोट हमें तो इनमें जूतों मारे हो, शर्म लगे इनमें जूतों नहीं मारेंगे हम, जो ये झूठा है बात सही है, कोई गलत नहीं, गलत थोड़ी कर रहे हैं। हमें इनसे जिला ले सरा के हमारी बिल्डिंग बना जाए, मगर जब हम हमने पब्लिक में क्या विकास करा हुआ और क्या हम कर रहे हैं, क्या हमारी करतूती है। जैसे मोदी जी कहते हैं कि भाई उन्होंने गरीबों के लिए बहुत काम किया, राशन दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं किसानों को, 4 किलो बाजरा और 4 किलो गेहूं, हमारी जमीने अंगूठा लगवा रहे हो, हमारी हमारा बैनामा रख रहे हो। अच्छा किसने रख लिया है? अरे 2.5 लाख रुपए किसको दिया इसने? 2.5 लाख जिस पब्लिक को दिया 2.5 लाख रुपए उसके यहाँ बैनामा रखा है। अच्छा अगर हमको 2.5 लाख रुपए देता तो हमारा बैनामा का जरूर लेती, आधार कार्ड पे दे दो। जब पहले गेहूं 5 किलो मिलते थे एक बापे यूनिट पे, उस जगह पे 1 किलो गेहूं मिल रहा है, 2 किलो चावल मिल रहे हैं, बायरा कर दिया 5 किलो, बताओ किसान बायरा खाएगा घर में? आप ही बताओ, आदमी बंद कर दो। अच्छा मोदी या जो बाबा योगी कितना बाजरा खा रहे हैं रोज, ये पहले अपन ही बताए जे कितना बाजरा खा रहे हैं, कितनी मक्का खा रहे हैं जी, अपन ही तोल बताएं जी, हम महीना में हफ्ता में या पर डे कितना बाजरा खा रहे हैं जी। अच्छा जे आदमी है और सब पशु है पूरी पब्लिक, जे आदमी है इनको जी खुद की शर्म ना आने क्या पब्लिक हम बाजरा बटवा रहे हैं। अच्छा चामरा बटवा रहे हैं, कहा हमको बिहारिया समझ रहे, 2.5 किलो चामर तक किनको परिवार एक महीना खा लियो, भाई मोदी बता टट्टी आ जाएंगी सुई मच जाएगा, बताओ जे चामर कितने खा रहे हैं अपन तो। क्या होना क्या चाहिए आप लोग के लिए, क्या क्या चीजें हों, क्या योजनाएं आए जो आप लोग खुश रहे संतुष्ट रहे? हम तो ये चाह रहे हैं, हमें न तो योजना की जरूरत है न विकास की जरूरत है, मगर जो चोर यहाँ से भग जाए, जे भारत तो चोर बच जाए। और मोदी जी तो कहते हैं जो पहले कांग्रेस सरकार थी उसमें कितना भ्रष्टाचार था, तभी आप लोगों ने चुना होगा ना नरेंद्र मोदी, वो बेईमानी मशीन ने चुना है। अच्छा वो बेईमानी मशीन ईवीएम मशीन को कहते हैं, हाँ ईवीएम बेईमानी होती है उसमें, हाँ जिनकी औखाद मालूम पड़ जाए बैलेट पेपर तक चुनाव करा ले, इनकी औखाद मालूम पड़ जाएगी कि बैलेट पेपर तक चुनाव करा ले बस। अच्छा हाँ क्या इनकी कितनी औखाद है, कितनी भारत में सीटें लेके आएंगे जी? अच्छा हाँ तो जो हाँ मान लो सब ईवीएम से तो सब जगह चुनाव होते हैं, हैं अभी तेलंगाना कांग्रेस जीती ना, जा आदमी ने ईवीएम बनाई, जा प्रदेश ने ईवीएम बनाई, माँ बैलेट पेपर तक चुना है, माँ ईवीएम तक चुना है चुनाव, कहाँ पर जहाँ से बन के आ रही है जी, यहाँ बनी है देश में, कहाँ से देश में, देश तो बहुत बड़ा है, पहले प्रांत बताओ, देश तो बहुत बड़ा है। आप कह रहे हैं ईवीएम से चुनाव, नहीं हम कह रहे हैं ईवीएम, आप लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, मगर ईवीएम से कई जगह विपक्ष की सरकारें भी तो बनती है ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तेलंगाना में बनी कांग्रेस की सरकार ना, 2018 में 3 सरकारें बनी थी ना, राजस्थान छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीती थी ना, तो वहां फिर कैसे ईवीएम चल गई? इनकी पेश नहीं जाती, मचन जाते जब पेश नहीं जाती, अब की बार हमें वोट ना डालना, क्यों नहीं डालना? नहीं ईवीएम तो डरवांगे, ये तो चोर है, ज्यादा मत बोलो, अरे भाई चलेंगे जो जेल जाओ, अरे हम जेल जावे तैयार हैं, अरे उठवा ले तो हमारी भैंस गोलेंगे जे, छूट के आएंगे, छूट के जाते ना आएंगे ताना फिर हम क्या करेंगे, छूट के तो आएंगे हम, आखिर सब जिंदगी तो रहेंगे नहीं।